हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल शरीर में कमजोरी वीकनेस के लिए होती है और हम बात करेंगे क्या इसका डोज, कैसे इस्तेमाल करें, क्या इसका प्राइस है और क्या इसका साइड इफेक्ट है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल जो मैनकाइंड फार्मा कंपनी की है, जो बहुत ही बड़ी ब्रांडेड कंपनी है। और इसके इस कैप्सूल का प्राइस है 89 रुपीज़, जो एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होती है जो देख सकते हैं मेरे हाथ में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। साल्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंजिंग 43.5 mg, नाइकनामाइड 25 mg और विटामिन B6 1 mg इत्यादि। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब है, इसमें डला हुआ है। ये सब से मिलकर ये कैप्सूल बनाए दोस्तों। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा काम करते ही हम थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी सा होने लगता है, तो उसमें आप अच्छे डाइट लें, अच्छे फल फ्रूट वगैरह खाएं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस प्रॉब्लम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला यूज़ और पहला फ़ायदा, शरीर में बॉडी में कमजोरी हो उसमें यूज कर सकते हैं इस कैप्सूल का। दूसरा फायदा, कमजोरी की वजह से कमर में पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, तो उसमें इस कंडीशन में इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। थर्ड, तीसरा दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगता, इसी की वजह से बॉडी में कमजोरी सा होने लगता है, तो उसमें भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। चौथा, शरीर थका थका सहने लगता है हमारे बॉडी, उसमें भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। 5, डायबिटीज़ का मरीज़ हो तो उसको भी इस कैप्सूल का यूज करवा सकते हैं, उसमें ये कैप्सूल बेस्ट काम करता है, अच्छा रिजल्ट है इस कैप्सूल का उसमें। 6, इस कैप्सूल को हड्डी मजबूत करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसका हड्डी कमज़ोर सा होता है तो उसमें यूज कर सकते हैं। 7, ये कैप्सूल उनके लिए बेस्ट है जो जिम योगा वगैरह करते हैं दोस्त, उनके लिए सभी प्रॉब्लम और फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको जितने बताया 7 या 8 बताए होंगे, सभी में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इस कैप्सूल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसको डोज, इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों 1 कैप्सूल पर डे नाइट में लेना है। कैसे लेना है? 1 कैप्सूल रोज रात में सोते हुए लेना है, दूध या पानी के साथ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे आप इस सभी चीज़ के बारे में। और दोस्तों एक बार यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह सजेस्ट जरूर ले लें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या साइड इफेक्ट है या नहीं है। जी दोस्तों, कॉमन साइड इफेक्ट कोई केस में हो सकता है, एलर्जी और इच स्किन, रैशेज, कफ इत्यादि हो सकता है। ऐसे हो तो डॉक्टर से या फार्मेसी से फौरन कॉन्टेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।